अस्सलाम वालेकुम। मैं स्कूल से आ गई हूँ, मैं इतनी थक चुकी हूँ ना कि मुझे अपनी मैगी खुद बनानी पड़ी। देखते हैं कब तक बनती है। और गैस तो देखें आप, इतनी स्लो स्लो आ रही है ना। यहाँ पर उबलने मार्जरी के अंडे, मार्जरी गए हैं फ्रेश होने, वो फ्रेश होकर आते हैं फिर देखते हैं। तो भैया ये मैगी बन चुकी है। वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। फटाफट से करते हैं भाई नाश्ता। जैसे जैसे दिन करीब आते जा रहे हैं वैसे वैसे मेहमान बढ़ते जा रहे हैं, और शायद आज भी बहुत सारे मेहमान आए, कल भी आए। तो फटाफट से करते हैं नाश्ता जल्दी। अरे मैं फ्रेश होने गया, ये तो सो गई बेचारी। स्कूल जाती है, अरबी जाती है और कारी ट्यूशन जाती है, थक जाती है बहुत। जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तुम किधर जाने का बोल रही हो? चलो अंदर घर में रहो। पर ये मास्क करो मेरे लिए भी। थैंक यू। तो अभी हमें जाना है उस घर के लिए। ढोंगा बाल्टी ये तो लाना ही भूल गए, सारा काम करवा दिया इन्होंने। कल मम्मा ने देखा लोटे को भी तो लाना है, लोटा फटाफट से ही काम करेंगे। और आज हमें थोड़ी सी साफ करवानी है पापा के कहने पे, तो देखते हैं थोड़ा सा करवाते हैं ज्यादा करवाते हैं। बहुत सारे कमेंट थे कि ये नहीं कटवाओ नहीं कटवाओ। असल में दाढ़ी रखना सुन्नत है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बोला है कि माँ बाप जो बोले वो बात सुन लो। सो पापा बोल रहे हैं कि ये अभी नहीं रखो, जब ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी ना तो जब रखना, जब ये सही तरह से आ जाएगी। सो पापा की तो मानेंगे ना। अबे जगह ही नहीं होती यार, कैसे लगाते हैं पता नहीं है। तो भाई निकलने की भी जगह नहीं है, पार्किंग चेक करेंगे। अनाड़ी ड्राइवर है वो, देख तो रहे मैंने अपने आप को, कैसे लग रहे हो तुम? ओके अबे चलो। अबे कार्टून बोल दिया तुम्हें। इन दोनों को मैं आग लगा था ताकि एक दूसरे से लड़े, तुम्हें कार्टून बोला इसने। चलो चलो नहीं नहीं छोड़ो, इनको चेयर ही नहीं मिली तो ये यहीं बैठ गए। और एक बंदे की जगह है उस पर मैं बैठ जाऊंगा। फटाफट से भाई बनाते हैं भाई दाढ़ी, सर जल्दी बना दे प्लीज, टाइम नहीं है। अबे नो बॉस छू, अरे नहीं 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 सलून में भी लड़ लो, पागल हो गए। छू नहीं वापसी दे लो बस, अब मैं दूंगा ही नहीं तुम्हें, छुपा के रख लो। तो भाई ये बंदा तो अभी तक तैयारी नहीं हुई, तैयारी बहुत लंबी चलती है। तो आ गई हमारे पास लस्सी, जब तक हम लस्सी पी लेते, बाल कटवाते कटवाते पियो। थैंक यू, मैं भी पी लेता हूँ। 5:14 हो गए, नाउ आई एम डन। टमाटर मेंडेस की बारी है, थोड़ा थोड़ा सा हल्का कैसे, बस क्या बोलते इसको भाई, करो ट्रिमिंग। यस यस, जाल में फंस गया मुर्गा। ओए ओए अभी नहीं यार, आज भी नहीं निकाल सकता। तुमने क्या करवा लिया ये? मैंने मशीन भिजवाई है। देखो अपने आप को सारे, कैसे लग रहे हो तुम दोनों? अच्छा मैं लग रहा हूँ। हाँ आप अच्छे सर। देखते पहले गाड़ी पर कौन पहुँचता है। लो भाग रहा है, पहले मैं पहुंचूंगा। पहुंच गया लूजर। तुम करीब थे गाड़ी के जब ही पहुंच गया। अभी जगह ही नहीं है यहाँ से गेट खोलने की, पीछे करो। ये देखे महाराजा ने क्या गाड़ी का हाल कर दिया है, चुपका के खड़ी की हुई है। ये देखो गाड़ी खराब करी है भैया ने, देखने आंटियों को ठोक देगा। पीछे बहुत टाइम हो गया यार, इन्होंने तो एक घंटा लगा दिया। पहले मैंने अपनी करवाई, फिर भैया ने, फिर डमांडस मेंडस ने। तो आज फिर पेट्रोल डलवाना है हमने, दो सेल अगेन हो गए। कहाँ गए कल डलवाए था? घूमना फिरना बहुत होता है, शादी का सीजन चल रहा है तो। क्या क्या लेना है? बाल्टी लेनी है, डोंगा लेना है, वाइपर लेना है। एक बाल्टी और एक डोंगा और एक लोटा। वाइपर सही है ये वाला, देख डाल दे, डाल दे सब डाल दे। सारा सामान ले लिया भाई फाइनली। तो ये छोटा मोटा सामान था ये भी लेना लाजमी था, इस सामान के बगैर तुम घर में नहीं रह सकते थे। टमाटर बिंड सही से पकड़। तो भाई अभी ऊपर लेके जाना है, अभी वहाँ नहीं रख रहे, वहाँ बस चाबी वगैरह नहीं है। अरे मॉम जल्दी गेट खोले, फाइनली सारा सामान लिया है। अभी से नाना शुरू कर दे। नहीं वो भाई मेरी मॉम भी फुल कॉमेडी है। फिर मैं क्या बन रहा है? पुलाव और कढ़ाई। अच्छा माशाल्लाह, पुलाव तो मेरा फेवरेट है। पुलाव तो मेरा भी फेवरेट है। तुम्हारा और क्या चीज फेवरेट है? बिरयानी तो सबसे ज्यादा फेवरेट है। जी जी, अभी अगर मैं यहाँ 10 घंटे खड़ा रहूंगा पूछते रहूंगा बताते रहेंगे, सो प्लीज बिरयानी और पुलाव। इतने सारे मेहमान आए फिर भी दो सारी है। बेचारे चीजें चाहिए। अच्छा चीजें लेकर मेरे मुन्ने के लिए, चलो अच्छा खा लो। भूख लगी मेरे मुन्ने को? ट्यूशन से पढ़ ली? बिल्कुल फाइन। अच्छा पढ़े? अच्छा। हमारे कालीन भी आ गए भाई, सही सफाई करिए, बिल्कुल टाइट चेक करें, फूल के चेक। बस सही है, चलो थैंक यू। ओके फूफो वगैरह भाई सामान लेकर आई है, वाह भाई वाह। ऐसे क्यों लाते हैं ये चीजें? दूल्हे को नाश्ता कराया जाता है। वाह रात के टाइम नाश्ता हो रहा होता है, वाह भाई दूल्हे की खातिरदारी है। एक हफ्ते के लिए स्पेशल हो, बाकी फिर जल बैठ चुके हैं भाई, तो फटाफट से करेंगे नाश्ता यहाँ पर, जो कि पुप्पा वगैरह लाई है सारी, चाट समोसे रोल तो खाते हैं भाई। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। वाह वाह वाह, डांस हो जाए डांस। अभी किसे बैठे हो चुपचाप?
जनरेशन का, कोई न्यू जनरेशन का। गाना वगैरह गा लो। आता नहीं है, तो ना देती नहीं हूँ भाई। एक तो मेरे भाई लोग चुपके कर लो, कमरे अकेले कमरे में जाके करेंगे हम लोग चुपके करना। आजा आजा, इनके सामने डांस नहीं कर रहे, अकेले करेंगे। ढोल जैसी बजेगा वैसी डांस करना शुरू कर देंगे हम लोग। हाँ, सबके सामने नहीं कर सकते ना। ये डांस हो रहा, फाइट हो रही है। एक बच्चा वो घूम रहा, एक ये बैठी हुई, एंजॉय कर रही हो, मजा आ रहा गाना सुनने में। अबे रो जाएगी तो कहां सुहा, झड़ती है मुझसे बहुत ये। अच्छा कुछ नहीं कर रहा, बस ये लो मेरे मुन्ने को एंजॉय कर रहे हैं। इतने बड़े पतीले में मॉम ने बनाया है पुलाव, और भाभी ने रोटी। बस मैं भी लेने जा रहा हूं। इतना शोर है मॉम, धमाके, ढोल, गाने, इतने सारे मेहमान आए हुए, इतने सारे। शादी वाले घर में ऐसे ही होता है। ये क्या लिखा जा रहा है भाई बच्चों? अरे वाह, अरे वाह, दो दो जगह लिखा जा रहा है। अच्छा था लिखना, ठीक है। पर यहाँ पर सबके सरदार बनी हुए, इतने सारे बच्चों को बिठाया हुआ है। तुम्हें तो लगा सबको ढोल बजाओ, कोई गाना गा रहा है, कोई कहते क्या हो गया रे, खुद ही आए। तुम्हारे दोस्त अभी वो कौन बुलाया? वो डांस करने का प्लान। तो बहुत प्रैक्टिस करा सकते हो, बॉस बनी है बॉस। यार बॉस नहीं हूँ। अरे वाह भाई, लिख लिया, थैंक यू सो मच। गाने लगाए हुए लोगों ने अंदर। देखता हूँ क्या चल रहा है, देखता हूँ देखता हूँ। अरे वाह भाई वाह, बड़ा शोर मचा के रखा हुआ, इनको बाहर देखता हूँ, देखना। ये देखो फरी सबकी बॉस बनी है वो, देखो। तो यहाँ पर भाई खाना स्टार्ट हो चुका है, और एक हमारे जो मोहतरम कॉमेडियन चाचा हैं वो खा रहे मीठा। टैली के अंदर मेरा दिल नहीं चाह रहा था, मैं चाह रहा था बोल में एक चमचा लेके शुरू हो जाऊं। क्यों बोल में? क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे दरिंदे बैठे हुए हैं। दरिंदे। और कोई शेर बता दे, कोई शादी के लिए मेरे को शेर। आपके लिए अभी मैं मीठा खाने के बाद आपके लिए शेर बोलूं भाई। अच्छा, मीठे के बाद मीठा शेर निकलेगा। ये बच्चे कहाँ से आ रहे पीछे से? अरे अरे अरे, कहाँ से निकल गए बच्चे छोटे छोटे? तो भाई फटाफट से खाते हैं भाई खाना। पीछे सारे बच्चों को जमा कर लिया है, ढोल बजा के इनको डांस करवाते हैं। बाहर तो बड़ा हो रहा है शोर, और शादी पता लगे। तुम्हारी डांस करने की बारी। लाल हो गया पूरा, डोजा बन गया। तूने डांस क्यों नहीं किया कभी? कैमरामैन चल चल जा बस, थोड़ा सा थोड़ा सा, जल्दी कर जल्दी कर, थोड़ा सा ढोल बजाओ, ढोल बजाओ, जल्दी जल्दी बजाओ, जल्दी डांस कर। टाइम 12:10 आज चल रहा PSL का मैच। आपने मुझे वो नहीं सुनाई कहानी, जल्दी सुना दो कोई प्यारा सा शेर। ये शादी नहीं आसान, इतना समझ लीजिए। आहा आहा, शादी नहीं आसान, आहा बस इतना समझ लीजिए। वाह वाह, हरी मिर्च की कुल्फी है और चूस के खानी है। ये क्या था? तुम नहीं समझोगे, जो शादीशुदा है वो समझ गए होंगे। तो ये शेर शादीशुदा लोगों के लिए था बेटा, ये सिर्फ शादीशुदा लोग। ये हरी मिर्ची कुल्फी है लेकिन चूस के खानी भी है। अच्छा, गहरे अल्फाज है, अभी आपको बात में समझ में आएगा। आजकल के छोटे छोटे बच्चे भाई, मोबाइल कुछ समझ नहीं आ रहा होगा क्या चल रहा है यूट्यूब पे, लेकिन देखना है। तो क्या देख रहे हो? अरे किड्स चैनल देखे जाते हैं बच्चे के, तो भाई प्यारे प्यारे। अरे तो इस ब्लॉग का जरिए एंड करते, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और मुझे समझ नहीं आया कि आज क्या ब्लॉग बनाए और कितना बनाए, कैसा बनाए, क्योंकि मैं सब मेहमानों में लगा हुआ था, बातचीत कर रहा था, और इतना शोर शराबा,
सो या इस ब्लॉग को इधर करते लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर। उम्मीद आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, तो इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। गाड़ी में लोग बोले यार बेचारे यार तुम्हें बहुत तंग करते हैं दोनों भाई तुम्हारे। हाँ, बोला क्या करूं? तो अच्छा करते हैं हम, अच्छा ही तो करते हैं। नहीं नहीं दादा, ये है मस्ती मजाक जो कि आप लोगों को फन के लिए है। हम आपस में कोई लड़ते झगड़ते नहीं है, मस्ती मजाक करते हैं ऐसी। ये बताऊँ ना जरा, प्यार है यार, यही तो प्यार है।